प्यारे देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू कर दे मेरे कपड़ों के ऊपर। नहीं माशाल्लाह, जुगतों की बात नहीं, आज वाकई आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह, ब्याह तो पैसे लूटने वाले मौजो शहरी लग रहे जी। और अच्छा, ऐसा प्यारा बंदा खाना खाने के बाद ना शादी पे फौरन ही कहता है मेरे ताया जी का पैक कर देना। और लाड़े दे लागे जाके कह रहे हैं जिस कुड़ी का ब्याह ना वो पहले मेरी मंगेतर सी। गरीब घर के कबूतर लग रहे थे। मुझे वैसे आपकी अकल पे तरस आ रहा है। रोटियां लैन आया सी। देखो ना ज़ैनब अब्बास साहब, माशाल्लाह इमरान नज़ीर खराब होया। मुझे नहीं पता कि आपने ज़ैनब को ये जुगत लगी है या इमरान नज़ीर को आपने प्रमोट किया है। मगर अच्छा भाई ये बताएं, आपकी नजर में हीरो क्या होता है? घर दे विच छे भरा हुण पांच काम ते जांदे हुण एक जिहड़ा नहीं जांदा वो घर च हीरो हुंदा जी। मेरा ख्याल है कि फेसबुक के ऊपर जो लेडीज फोटो लगा के लड़कों से बातें करता है वो हीरो नहीं, हीरो ना जिन्हों में लेजेंड हो रहे हीरो चावा जिन्हों लिया दिया। आज के दौर में जो वर्ल्ड कप जीत के धरना दे मेरे ख्याल है वही हीरो होता है। वजीर आजम परेशान हो जेड़ा कतर तो खत भेजे वो हीरो होता है। ये आप हीरो होंगे प्यारे बच्चों, अल्लाह नु जान देनी है जेड़े वड्डे वड्डे कारनामे करे अपने वतन प्यारे वास्ते। हां जी, मोटरवे बनावे कराची टू लाहौर। मेरे जो सवाल था उसको बिल्कुल एक और रंग दे दिया। exactly. है, मैं उस किस्म के हीरो की बात नहीं कर रहा था। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक हीरो हैं। अगर ये कहा जाए कि ही इज द किंग ऑफ पाकिस्तानी कैप्टन्स तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। चैनल ऑफ चैंपियंस दुनिया टीवी की जो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड उसके भी कैप्टन है। आप सबकी तालियों में द वन एंड लिटरली द ओनली इन द लास्ट 70 years मिस पॉल हक। सची मुची चाचा भी साड़ा हीरो सर। अच्छा जी, मिसवा भाई छक्के मार देने चाचा साड़ा चवला मारदा जी। मिसवा भाई कैच फड़ देने चाचा साड़ा उधार फड़दा। मिसवा भाई स्लिप दे खलोंदे ने ये गंदे नाले दे खलोंदा जी। मिसवा भाई सेंचुरी करदे चाचा साड़ा चुगलियां करदा। माचे बाबा चाचे चिरिंद परिंद मूस मार के बोल। चिरिंद परिंद परियां कलियां फूल जो आज चहचहा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में मिसबा उल हक साहब आ गए। इस एक
शेर से आपने बहुत से उर्दू दान जख्मी किए होंगे आज। मगर मिस्बा भाई, मुझे एक्चुअली आपसे बात कोई समझ नहीं आ रही कि मैं कहानी कहां से आपकी शुरू करूं। स्टार्ट आपका हुआ जिस तरह एक नॉर्मल लड़का पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलना शुरू करता है, क्लब के अंदर खेली, फिर डिवीजन लेवल पे खेली, और उसके बाद कितना अरसा लगा था आपको पहला ब्रेक जब मिला 2001 के अंदर? सबसे पहले तो शुक्रिया आप सब लोगों का, और जिस तरीके से आपने मुझे वेलकम किया शो में, और जो जो मेरे लिए कहा, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। पहले भी मैं आया हूँ मुज़ाकरात में और बड़ा अच्छा वेलकम मिला मुझे आज भी। जहाँ तक मेरी कैरियर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप के बाद मैंने बेसिकली जो क्रिकेट बॉल से खेलना शुरू किया। उससे पहले जिस तरह सबको शौक होता है, घर में आप खेलते हैं टेनिस बॉल से, स्कूल में खेलते हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेलनी शुरू की। 95-96 में मैं आया लाहौर में, तो यहाँ पे आके मैंने क्लब क्रिकेट बाकायदा शुरू किया, और उसके बाद दो तीन साल ग्रेड टू खेली, और 98-99 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, और फिर 2001 में जाके मुझे टेस्ट में आपको न्यूजीलैंड के अंदर चांस मौका मिला। तो सर, जब 2001 में चांस मिला तो उस टाइम पर आपको ये तो लगा होगा, क्योंकि 20 करोड़ में से 11 लड़के ही सिर्फ खेल रहे होते हैं टीम के अंदर जो होते हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि अब आखिर मैं पहुंच गया वहां पे जहां मैंने सोचा हुआ था। उस टाइम पे आपको, आपके लिए बड़ी अचीवमेंट होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना। पहले फर्स्ट क्लास खेली तो बहुत प्राउड फील किया कि यार मैंने कुछ खेल लिया, मैंने कुछ किया, और फिर जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे बड़ा कोई ऑनर ही नहीं आपके पास। वो पहला मैच तो आपका जो है वो ऐसे ही लगता है ग्राउंड में, आप ख्वाबों में ही आपका गुजर जाता है, आपको अच्छा। लगता यकीन ही नहीं आता कि मैं वाकई पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, मैं ग्राउंड में हूँ। इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट यहीं पे जावेद मियादाद इमरान खान ने सेमीफाइनल खेला 92 में इसी ग्राउंड में, तो वो चीजें उस टाइम आप उसको जो है वो अजीब सी एक कैफियत होती है आपकी कि दुनिया, आपके दोस्त, आपकी फैमिली सारे देख रहे हैं। आपको बाद में समझ आती है कि हाँ जी अब मैंने क्या करना है, आगे मैंने कैसे मूव करना है। मगर ये जो आगे वाली स्टेज आपके ऊपर आई वो इतनी देर ठहरी नहीं, 1-1.5 साल के अंदर ही यू आर अगेन आउट ऑफ द टीम और आपको दोबारा चांस नहीं मिला। पहले टूर के बाद मैं ड्रॉप हो गया और फिर कम बैक किया 2002 में, फिर आया, फिर एक आधा मैच खेला, परफॉर्मेंस नहीं थे, बाहर हो गया। बात नहीं है, इतना स्ट्रगल करने के बाद जब पहुंच जाए मंजिल पे और फिर एकदम आपसे ऐसे किसी ने जमीन के नीचे से आपके कारपेट निकाल लिया हो, तो अब आप फंस गए हैं कि यार ये क्या बात हुई, मतलब मैं तो पहुंच गया था। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में स्पेशली, आप कह सकते हैं कि हमारा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको जो चांस मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर आप अवेल कर जाएं पहले ही मैच में या पहले दूसरे मैच में आप कर जाएं परफॉर्म, तो फिर आपको वो ब्रेक थ्रू जो है वो थोड़ा सा लंबी देर के लिए आपको रन मिलता है, मगर क्योंकि काफी हद तक अब चेंज हो गया। मगर 2003 में जब आप थे तो उसके बाद आपको ड्रॉप कर दिया गया टीम से, और आई थिंक अगले जैनब कोई 5 साल ये बाहर रहे टीम से 2008 तक। 2007 था जब ब्रेक थ्रू मिला, मेरे लिए एक बड़ा चांस था उस टाइम पे, बड़ी मुश्किल से एक लास्ट चांस नजर आ रहा था मुझे एट द एज ऑफ 33 पाकिस्तान में। नॉर्मली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो मेरे ख्याल में 30 के बाद कंसिडर करना शुरू करते हैं वो किसी को भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि उस वक्त तक ही प्लेयर मैच्योर होता है। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त जो थिंकिंग थी वो ऐसी थी कि आप 30 के करीब हुए हैं तो इवन अगर आप परमानेंट मेंबर भी हैं क्रिकेट टीम के, तो लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि आपकी जो प्राइम है वो खत्म हो गया। इधर आपको मैं जरा रोकूंगा कि वो जो 5 साल बीच में थे वो आपने कैसे गुजारे? ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके अपने भी, आपके दोस्त, अपनी फैमिली भी, वो एक ऐसा पीरियड होता है कि जनरली एक जो परसेप्शन बना होता है उसको देख के वो आपको कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में जो आपका अपना बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका पैशन नहीं है किसी काम का, शौक नहीं है आपको, आपको उस काम से लगाव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फौरन गिव अप करके आप कहते हैं कि यार छोड़ दो। ये बड़ी आप जो बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी कन्विक्शन की बात है जनाब, ये कि इस किस्म का सोचना एवरी पर्सन कांट थिंक लाइक दिस यूजुअली, और एक बहुत स्ट्रांग माइंड चाहिए क्योंकि इतना सोशल प्रेशर होता है, और खास तौर पे कि यार तुम तो एक बार टीम में थे, चलो अब तुम्हें ड्रॉप कर दिया, कोई और काम करो, तुम 3 साल से चांस नहीं मिला, 4 साल से नहीं मिला। जनाब आस्था बोलना, जो उच्ची बोले ना जिनी तड़ी से तड़ी उल्टबाजी लग जानी। अरे यार नहीं बोलने तो बेचारी को। आई थिंक इनकी सबसे बड़ी अभी तक जो हमने वैसे ऑन फील्ड भी देखी है जितने भी इन्होंने साल गुजारे हैं, इट्स द मेंटल स्ट्रेंथ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।
मिस्बा साहब, आप जब वापस आते हैं और फिर वो 2020 का वो अजीम शान टूर्नामेंट, पहला वर्ल्ड कप और सेमीफाइनल में भी और मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे खुद याद है कि जब हमने पहली दफा इनको देखा, मैंने तो उस वक्त मुझे याद है, सारे लोग ये थे कि ये कौन प्लेयर है। बहुत से लोगों ने ये भी कोशिश की कि इंजमाम हक के कोई कजन है, पता नहीं इस तरह भी हुई बात। और फिर इवेंचुअली वो फाइनल मैच आया जिसके अंदर सब गिरते चले गए हस्बे आदत, और एक आदमी वहीं पे खड़ा रहा, और सिर्फ वो आखिरी जो सेकंड लास्ट बॉल, अब तो मेरा नहीं ख्याल हॉन्ट करती होगी, मगर आज से जब 6 साल पहले वो हॉन्ट करती थी बॉल आपको। देखिए, वो तो सारी जिंदगी आप एक चीज सोचते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, बट अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मैंने शॉट भी सिलेक्ट किया या पिक किया वो भी ठीक है, रिग्रेट होता है जब आपकी कोई भी शॉट नहीं लगती, बट वो मेरी शॉट शायद जिंदगी में पहली दफा वो शॉट मैंने मिस किया वहां पे, क्योंकि वो मेरा पेट शॉट था वर्ल्ड कप में। मैंने थ्रू आउट वो खेलता रहा, उस पर बाउंड्रीज मारता रहा, मैंने उस पर चांस लिया अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, एग्जीक्यूट प्रेशर में सही नहीं हुआ, ये होता है। जब आप वापस पाकिस्तान आए तो आपको ऑनेस्टली बताया कितने लोगों ने आपको उस शॉट के बारे में गिला किया? ऑब्वियसली लोग एक अच्छे रिजल्ट चाहते हैं पाकिस्तान को, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट आप फाइनल खेल रहे हैं, लोग हार को मानना ही नहीं चाहते, आपके जेहन में जीत है, आप पूरा मैच कहीं जेहन में नहीं सोचेंगे कि 70-6 थे या मैच से आउट थे, क्या हुआ क्या नहीं, लोगों को आखिरी चीज याद रहती है, ये एक नेचुरल सी चीज है। वो मुझे भी याद है या जो भी है, मुझे भी उस चीज का दुख भी है और याद भी है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको सेटिस्फेक्शन ये होनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने जो कुछ मैं दे सकता था अपनी टीम को मैंने दिया, उसके बाद ठीक है रिजल्ट जो भी है उसके बाद। उसके बाद आप बन जाते हैं पाकिस्तान के कप्तान, मगर उससे पहले हमारे साथ बहुत बुरी होती है, हम पकड़े भी जाते हैं, हम रैंकिंग में भी गिर जाते हैं जनब, और बहुत हम इसे कहते हैं कि रुस्वा हो रहे होते हैं दुनिया के अंदर, और फिर एकदम कोई कहता है कि जी मिस्बाह उल हक अब कप्तान होंगे। इससे बुरी हालत में तो हम नहीं आपको टीम दे सकते थे, तो आपने उस टाइम पे सोचा था कि मैनू कैसे फसान लगे ने? रिलीफ की बात है, जितनी भी मुश्किल आती है आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ने अगर मुझे ये चीज दी है और मुझे इसलिए चुना है तो वो ये मदद भी करेगा, यही मेरी सोच थी उस टाइम पे कि अब इससे ज्यादा क्या बुरा होना है हमारे साथ, अब कोशिश हो सकती है कि हम अपनी कोशिश से इसको ऊपर लेके जाएं, इसको अच्छा करें। मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि मैं खुद भी उस टाइम टीम से बाहर था, टीम में कम बैक करना, अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह बनाना और फिर टीम के लिए जीतना और टीम को बेहतर अंदाज में आगे लेके जाना, कामयाबियों की तरफ लेके जाना और दूसरा टीम का इमेज बेहतर करना। सर, ये तो बड़े टास्क थे, एक तो इमेज आपने बेहतर करना था, टीम हमारी टूटी फूटी हुई थी उस वक्त, खुद आप टेस्ट के अंदर अब दोबारा आ रहे थे, पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही थी, इतने चैलेंजेस इकट्ठे, और अच्छा उसके दरमियान में एक, अगर ये सब कुछ काफी नहीं था तो जब भाई की बैटिंग शुरू हुई तो आपके ऊपर एक टैग लगा दिया गया जो कि अरसा दराज तक आपके साथ चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता चाहे वेव ऑफ होना शुरू हो गए बाकी चीजें के, पाकिस्तान ने जीतना शुरू कर दिया और 2 टेस्ट मैचेस 4 6 8 तो लोगों ने जो था क्रिटिसिज्म का मुंह मोड़ दिया कि जी मिस्बाह उल हक बहुत स्लो खेलते हैं, और तब आपके ऊपर वो अजीम शान जुमला या 2 लफ्ज आपके साथ जोड़ दिए गए, कैसे बर्दाश्त करते थे कि यार एक तो मैं जीत भी रहा हूँ ऊपर से मुझे ये भी किए जा रहे हैं साथ साथ? मिस्बाह भाई तो बहुत लंबी इनिंग्स खेलते माशाल्लाह, ये तो जो बैटिंग ते जाते लोग रिश्तेदार और मिलन चल जाते ही, तो 4 दिन बाद आवेंगे यही मुंडा खेलता होगा। मगर ये बताएं कि ये जो टुक टुक आपके साथ एक जोड़ा गया लफ्ज, और उसके बाद आपने जब उसको आखिर में इवेंचुअली जैनब हटाया और फिर जिस तरीके से हटाया वो जो फास्टेस्ट सेंचुरी एक बना डाली और विविन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड, वो आप क्या पहले भी कर सकते थे? जिस तरीके से मैंने क्रिकेट खेली, मेरे स्ट्राइक रेट या जो मेरी बैटिंग थी, बाय द टाइम टीम की जरूरत के मुताबिक, जब जाहिर आपके सीनियर प्लेयर मोहम्मद यूसुफ टीम में नहीं है, इंजमाम उल हक टीम में नहीं है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जाहिर आपको जाके टीम को संभालना है, आपने पूरे ओवर खेलने हैं, आपने इनिंग बिल्ड करनी है, तो जरूरत के मुताबिक इर्द गिर्द के रिसोर्सेज को देखते हुए आपने अपनी बैटिंग को चेंज करना है, वरना बड़ा आसान है, जाए हिट आउट करें, आउट हो गए, रन हो गए आउट हो गए, आउट हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। लोग आपको कहेंगे जी बड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं, ठीक है 4 इनिंग्स 5 इनिंग्स में एक दफा आपने स्कोर कर दिए, 4 मैच तो टीम के गए, तो आपको एक टाइम आता है जब कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपने लोगों की बात नहीं सुननी वो क्या कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल है वैसे जनाब अवॉइड करना, क्रिटिक्स भी बोल रहे होते हैं, 20 करोड़ लोग तो वैसे ही आपको बोली जा रहे हैं यार नहीं आउट होता। जब ये बैटिंग करने आते थे तो ऊपर से अगर आपकी 3-4 विकेटें गिरी हुई है, हाँ, तो फिर टुक टुक ही यूज होगा ना, एंड अगर आप इनका T20 का रिकॉर्ड देखें तो मतलब इनका स्ट्राइक रेट जो है उसमें दिखाता है कि ही कैन वेरी वेल चेंज गियर्स। सेल्फिश जरा भी नहीं आप साबित हुए,
बीच में कहीं आप होता ना इंसान पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए भी बहुत से बैट्समैन खेलते हैं, तो आपने वो भी छोड़ दिया, आपने कहा अच्छा चलो टुक टुक कह रहे हैं कहने दो इनको भी जितनी देर कहना चाहते हैं, मैं पहले टीम तो सीधी कर लूं। शाहिद अफरीदी साहब जो आंदे ने इंज लगता कि उसे पीछे ड्रेसिंग रूम चाह का कप फड़ा गया है, ठंडा ना हो मैं आ रहा हूं। बिस्वा भाई जो आंदे ने क्रीज से इंज लगता घर महीने का राशन पुआए ने कह के आए ने तुम खाते रहना मैं पता नहीं महीना आउट होना कि नहीं होना। How you doing, baby? I'm doing good, baby. Oh, my God, DJ. What, man? I'm really very happy today. What happened, man? I got job. You really? Got a job? Oh, yes, I'm going to be get assigned to the agreement with the Dubai PSL. Really? Oh, you're going in PSL? Oh, yes. You see there, ajeeb ajeeb get up wale bande uthe aande ne. उन्होंने मेनू चूज किया, ही सेड योर गेटअप इज अ वेरी फनी, यू सी दिस, या ही सेड के तू बनना चेयर लीडर। आप चेयर लीडर बने? चौके छक्के दे उते मैं डांस करांगा ना, ऐपा एडो में हथां दे विच पा के एंड 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 ते जे उन्होंने मेनू पैसे ज्यादा दिते ते मैं सिंगल चे भी कर देंगा। अच्छा अपना मुंह वेला मुजरम दा ब्रीफ केस हुंदा। मुझे छोड़े आज आप आज उधर देखिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिन्हें यू वाट क्योंकि इधर खेल सकाफत ड्रामा फिल्म एक्चुअली ए कौम का फेस होंदा चेहरा होंदा मुंह होंदा मुंह जो मन याद है तेरा मुंह इंदे जिवें पूरे महल्ले का पूरा होंदा पेंडू खुसरे दे परांदे दी गुत्तर का मुंह दा तेरा मुंह इंदे जिवें खोते दी सेल्फी होंदी अपनी सेल्फियां संभाल के रखिया कर अपना मुंह वेख जिवें टोपी वाला बांदर होंदा Why you don't mana in a chinnanu? Why not kariye? Okay sir. Tera mu enje je lande ka John Sher Khan honda. Oye! Ab ye dekh, ab ye. Unhone mana kiya, aapne unko jugat kar di. You are looking nice. Thank you man. You are great man. I really love you. I love you too. With my heart. I love you too man. Really, tera mu enje je me do kapi chaina kondi. Ab tum jao. Ye bahut ache kapde pahne lagan na swar da minister honda. मेरे ख्याल से तुम जाओ अब हम तुम्हें टीवी पे ही देखेंगे मैच के दरमियान। ओके आई एम गोइंग टू प्रे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पीएसएल इन पाकिस्तान जब पाकिस्तानी पीपल विल सी द मैच इन होम ग्राउंड। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके आई एम लीविंग नाउ। और बात सुनो मैच में ना इस्लामाबाद यूनाइटेड जब खेल रही हो तो ज्यादा जरा इसको जोर से हिलाना। I love Islamabad United because the many nice player in this team. Captain bhi hai hamare wo. Hey, this guy? Yeah. This guy look like a captain. Shahar mein kam nahi aankhon se pilane wale hai bahut kam yahan bhooton ko khilane wale jinki umron mein aitraaz raha sabko yahan hai nikle hai wahi runs banane wale kabhi nikal ke le aaye hain jabron se fateh वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मिस्बा साहब एक और चीज जो आपके क्रेडिट बढ़ी जाती है कि अदर देन आपने हमें 24 टेस्ट मैच जितवा दिए, कभी सोचा था आपने कि आप सबसे कामयाब तरीन टेस्ट कैप्टन होंगे पाकिस्तान की तारीख के? जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का मेरे ख्याल में कम। वाह 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 वेरी गुड। ये चीज सोचते नहीं है ना आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं। एक चीज आप मुझे से बताएं कि एक
other than the wins and everything, you know, statistically, hum second number pe, first number pe, sab humne kar liya hua, mashallah. Players jo ke pichle 6 saal mein inke saath khele hain ya inke under khele hain, jo ek khas taur pe nayi generation, aapko lagta hai ki unka mindset thoda sa change hona shuru ho gaya towards the game? I think ke sabse jo obviously jo feedback milti hai, wo yehi milti hai ki ek Pakistan cricket mein ek stability missing thi. Ke jab aapko pata hai 2010 mein jo sab kuch hua, uske baad se ek jo calmness aayi hai na team mein, usme se ek ye factor hai success ka. कि पूरी टीम यूनिफाइड है. आई थिंक इनका एक जो बहुत बड़ा क्रेडिट है कि टीम को इकट्ठे रखना और वो एक यूनिटी बीच में देखने को हमें मिली है इनकी वजह से. तो वो स्टेबिलिटी फैक्टर आई वुड से कि वो बाकी प्लेयर्स में भी अब नजर आया है. अजहर अली जो है, ही इज वाइस कैप्टन, वो भी आएंगे तो वो उनके ऊपर भी हमें यही नजर आता है कि एक वो कामनेस सी नजर आती है. तो आई फील कि इनका एक जो इन्फ्लुएंस एज ए लीडर जो बाकी सब में हमने देखा है, इसका क्रेडिट इनको बहुत ज्यादा जाता है. Oh ho! Good. Ready one? Ready 1, 2, 3, 4. आपका चौकस बना तो हमें पता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार ये होया जी के रात को सडनली यानी अचानक 9:55 PM थे, कॉल बजी है, विच चिड़ियां दी आवाज आई ने. किसकी कॉल? हैरान हो गया मैं, ये बेल तो मैं कभी लाई नहीं. लेकिन जिस मैं फोन चुकया, अली सेठी का भी नहीं, मीरा सेठी का भी नहीं, भी ना यार नजम सेठी, फाइनल सेठी. यस, बात सुन, नजम सेठी साहब का आपको फोन क्यों आया? वो नजम सेठी साहब ने कहा है कि जो टीमें जा रही है ना PSL दुबई के लिए, उनको जाके चेक करो कि उनमें कौन कौन सा खिलाड़ी चौकस है, क्योंकि तुम हो चौकस ऑफ द ईयर. साथ उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, उन्होंने कहा भी मैं भी चूंकि आता जाता रहता हूं तो मेरे साथ भी सिक्योरिटी तुम करना. अब मैं सोच रहा हूं कि मैं उनके साथ डिप्टी करूं कि ना, क्योंकि अगले साल फिर इलेक्शन आने वाले हैं. उनके जेहन में है कि कहीं कायम मकाम. आप तो समझ रहे हैं मेरी बात को. उन्होंने मुझे ये कॉन्टेक्ट दिया, उन्होंने कहा आप तैयार करें किस चीज के लिए? पुशअप के लिए. आप? यस. तुम्हें पता भी सब तो ज्यादा पुशअप कौन करता? कौन? मैं थोड़े को पूछ रहे हो तुम मेरे को. मेरे ख्याल से मुझे पता है कि सबसे ज्यादा पुशअप्स कौन निकालता है. मेरा नाम है ना? नहीं, उन साहब का. और क्या हुआ? अबे क्या ओए निर्गोली. निर्गोली. ओके. यादगार महीना. कमरे से निकले ही नहीं. मैं सिर्फ वो खेलने के लिए जाते थे ना, तब बाहर आते थे, वरना ये तो बाहर ही नहीं आते थे. एक काम करें ना, आप पुशअप्स लगा के उनको हराजे तहसीन पेश करें. मैं दसो, मेरे तो ज्यादा पुशअप कौन करें ना. पुलिस में मेरे पास कम से कम 150 अवार्ड तो इसी बात का है. किस बात का? कि मैं पुशअप लगाता हूँ. हाँ. और मेरे मुकाबले में बड़े बड़े SP DSP पुशअप लगाते हैं और वो जीत जाते हैं. अच्छा, मैं इनका जहाँ फैन हूँ उनके पुशअप का भी फैन. हाँ. अच्छा, लेकिन ये हकीकत आज आपके सामने खुल खुला के सामने आ जाएगी कि मैं इनसे ज्यादा पुशअप लगाता हूँ. करें 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 ना कर. ओए होए भाईजन, तो मैं कट्ठे लाइए. मुझे नहीं पता है, पूछ ले उनसे. सर एक दफा आप लगा के दिखा देंगे ना मुझे, तो पुलिस को भी फायदा हो जाएगा और आवाम को भी फायदा हो जाएगा. असल पुशअप होता क्या? आइए निर्गोली वहां पे. आज
जिंदगी से भागकर आया हूँ मैं, यूं ही नहीं इस तरह जाया हूँ मैं। जब भी आया हूँ मैं बल्ला थाम कर, हर किसी के ही दिल को भाया हूँ मैं। हाँ कभी तो खूब धोता हूँ, कभी चुटकी में ही लौट आया हूँ मैं। अगर आप एक लिफ्ट में फंस गए हैं और लिफ्ट जी जानते नहीं हो, ब्रांड है ग्राउंड जी ने वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 से मशहूर होने वाले कैप्टन साहब, जरा हमारा 2020 भी तो खेले ना। मुश्किल आपने ये काम चुना है, मतलब 2020 से 5 साल पहले रिटायर हो गए। सर ये बताएं, आपके ख्याल में इनमें सबसे बेहतरीन बैट्समैन आपको कौन लगता है, अहमद शहजाद, उमर अकमल या विराट कोहली? मेरे ख्याल में तो इस टाइम जो रिकॉर्ड है विराट कोहली, जाहिर है उसके रिकॉर्ड ऐसे हैं कि वो विराट कोहली। सर ये बताएं, आपके ख्याल में किसके ठुमकों में ज्यादा असर है, क्रिस गेल, उमर अकमल या ब्रावो? पास। कोई एक आपके ख्याल में जो? आई थिंक क्रिस गेल ने नया ट्रेंड शुरू किया है, और जो जिस तरीके से ब्रावो और क्रिस गेल दोनों, लेकिन क्रिस गेल को बहुत ज्यादा, क्रिस गेल को आप मानेंगे? ठीक है जी। सर उमर अकमल के ठुमके ठीक नहीं, क्रिस गेल ते ब्रावो नाचे तो अंजला तक कपड़े की दुकान चक लग गई। ये बताएं सर, इनमें से आपका फेवरेट बॉलर कौन है, मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आसिफ मेरे ख्याल में इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। शाहिद आफरीदी कहाँ पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, कप्तानी करते हो या मॉडलिंग करते हो? मेरे कुलीग्स के साथ क्यों लड़वाना? नहीं, नहीं, ऐसे आपकी राय पूछ रहा हूँ सिर्फ। मैं दोनों चीजों से मुतासर हूँ। अच्छा, दोनों से मुतासर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन आपको कौन लगती है? माफ कर दे, मायरा खान, महविश हयात या फिर ईमान अली? माफ कर दे, मैं तो देखता ही नहीं फिल्म। सर वैसे ही कभी नजर पड़ गई हो गलती से, इश्तिहारों में भी आती है? इश्तिहार भी नहीं देखता ना मैं, या क्रिकेट देखता हूँ या खेलता हूँ। सर तो कमरों में से टीवी उतरवा दी है आपने जब आप जाते हैं होटल में? यही तो लड़ाई है। भाभी को कौन पसंद है आप बताएं, भाभी को कौन पसंद है, मायरा खान, महविश हयात या ईमान अली? उससे पूछ के बता दूंगा। चले सर ठीक है। सर ये बताइए कि अगर आप एक लिफ्ट में फंस गए हैं, ठीक है जी, सर मिश्रा भाई लिफ्ट में फंसे हैं और लिफ्ट जी जानते नहीं हो, ब्रांड है ग्राउंड जी ने लिफ्ट में फंस गए हैं, और वहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको लिफ्ट में मौजूद बाकी 3 लोगों के साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी किसी एक के साथ, तो आप किसको चूज करेंगे लिफ्ट में से निकलने के लिए? वो 3 नाम है सर, मीरा, फिर मीरा, राणा सनाउल्ला या फिर ताहिरुल कादरी साहब? किसी के साथ भी ले लो, किसी एक का नाम दे दो। कोई है, कोई इतराज नहीं है मुझे। अच्छा मीरा के साथ ले लेंगे। तो ये नहीं कहा उन्होंने। उसमें मेरी बेगम को इतराज हो। सर ये खिलाड़ी अगर क्रिकेटर ना होते तो आपके ख्याल में क्या होते, बिकॉज यू नो देम पर्सनली? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान तो मेरे ख्याल में क्रिकेटर ना होता तो वैसे भी वापडा में चला गया हो। बहुत लंबा है, जमीन के खलो के मंजिया कोठे तो लाने लोगों ने। शायद अफरीदी साहब। शायद अफरीदी मेरे ख्याल में उनका भी अगर आप देखें शोबिज में काफी शोबिज में होते हैं। मोहम्मद आसिफ। जिस किस्म का उसका जहन है शायद वो पुलिस में होता। ठीक है, बहुत सारी तालियां मिश्रा भाई के लिए। यल्ला यल्ला हबीबी, पकड़ ले तू हाथ में फिर बल्ला हबीबी, खेलती है टीम उम्दा जब कभी, फिर तो हो जाता हूँ मैं छल्ला हबीबी, हाथ आया मैच खो जाए जब कभी, दिल खराब हो बल्ला हबीबी। और सारी टीम एक गल ते चल दी है। क्या दुआवां फिर। ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਵੀ
ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਬ? ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਲ ਕੇ ਹੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਂਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇੰਜ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਿੱਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਇਸਵਾ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਡੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਖਿਲਾ ਲਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੋਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਆ ਪਾਵੇ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕੈਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਜਕਾ ਲੈ ਉਸਮੇ ਪਾਏ ਡਾਲੇ ਔਰ ਉਸੇ ਆਗ ਮੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਚੂਲੇ ਪੇ ਰੱਖ ਦੇ ਔਰ ਮਿਸਬਾ ਕੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਦ ਮਿਸਬਾ ਦਾ 25 ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੂਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਪਾਏ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਬੱਚਿਆ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਜਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਮੈਨੇ, ਲਬ ਪੇ ਰੱਖਾ ਨਾ ਹਰਫੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਨੇ। ਓ ਹੋ ਹੋ, ਆਪ ਥੱਕ ਜਾਏਂਗੇ ਜ਼ਖਮੋਂ ਪੇ ਨਮਕ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਰਦ ਸਹਿਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ਤ ਮੈਂ। ਰਿਆਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਅ ਸ਼ੋਅ, ਇਟ ਵਾਸ ਟਰੂਲੀ ਐਨ ਆਨਰ ਫॉर ਅਸ। ਔਰ ਜ਼ੈਨਬ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਡੀਜੇ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਸੌਂਗ ਥਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਮੇਂ ਹਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਾ ਇੱਕ ਨਿਆ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਵਾ ਡੋਲਾ ਹੈ।
सजाए उम्र छोटी कैद मिली परवा डोला है बेपरवा।